क्या है चीज जानिए कि मेरे पास एक डेटा है नेम वाइज क्वांटिटी वाइज जिसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है। जो वीवी यूज करने से पहले आप मैनुअल लगा के देखिए, यहाँ हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 40 अदरवाइज 0। समझे? आसमान सर, अच्छा तो क्या होगा, जो 60 से ऊपर वाले जो सेल है ना उनकी उनका कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये तो एक्सेल के थ्रू था, मुझे इसी को वीवी के थ्रू करना है। हाँ बराबर तो डेवलपर में जाते हैं, व्यू कोड, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहां से मैं इसको मल्टी स्क्रीन में ले आता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, इफ अंडरस्कोर 1, क्वेश्चन 1 है। सबसे पहले तो यहाँ पे लूप लगाएंगे, यहाँ 2 से चलेगा 12 तक, 12 तक फॉर 4 आई इक्वल टू चले 2 टू 12, समझ ग्रेट गए? नेक्स्ट आई, क्लियर है? अब यहाँ पे आप चाहो तो वेरिएबल भी ले सकते हो कि डिम आर कॉमा सी एज ए लॉन्ग। तो यहाँ पे C इक्वल टू ने किया रेंज ए के साथ, ये नहीं होगा बी है ना, माफ कीजिएगा बी होगा, होगा बी के साथ आई वो कंबाइंड डॉट पे। अब यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन 60 देन देन आर इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 40, समझे? इसमें ओके दो है, मल्टीप्लाई बाय 40 करना है, और यहाँ एक ही कंडीशन है, आगे सी पे आर पे रिजल्ट रिजल्ट जो है एक्स ए हो जाएगा, आर के ऊपर रिजल्ट जो है हेलो। हाँ सर जी सुन रहा हूँ सुन रहा अब यहाँ पे करेंगे रेंज सी इसके साथ आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, ओके? अब रन कीजिए। ओके ओके, यहां पे आर को खाली भी करना है, माफ कीजिएगा, आर इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यू आ गई, यहां पे वैल्यू आ गई ना सर, हाँ तो आर पे तो वैल्यू है ही ना, हाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाया, वैल्यू तो है ही, हाँ इसलिए गलत दिया आपको। अब मैं एक बार मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे विद इन क्लिक में रिजल्ट आ जाएगा, आ ओके गया हाँ कोई डाउट इसमें? पहले क्या इसमें तो सुजीत के इसमें सर 2 से 12 सुजीत के इसमें नहीं आया देखो 0 ब्लैंक था ना, तो पहले बार तो आर ब्लैंक था ना, इसलिए हाँ हाँ और अच्छा ऐसा है तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे R0 कर दीजिए, ठीक है? हाँ अब R0 हो जाएगा आपका, आ गया? ओके ले है? हाँ अब यहाँ पे बोलते हैं विदाउट यूजिंग इफ, इफ के बगैर आपको करना है, तो पहले इसको नॉर्मल एक्शन में करके देखिए कि इफ के बगैर कैसे होगा। तो इसमें मैंने सिंपल सी लॉजिक हमने लगाया कि अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर दूंगा तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा, हाँ और एक्सेल में ट्रू जो होता है 1 होता है, फॉल्स 0 होता है। बराबर इसको इसको मल्टीप्लाई इसकी क्वांटिटी से कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा, हाँ फिर इसमें 40 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 वाला 0 होगा और 71 जो रिजल्ट दे देगा, क्या? बराबर तो इसी चीज को हम यहां करेंगे, यहां पे इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है? यहां पे लिखते हैं आर इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1 19, इन्वर्टर को माने देंगे सी ग्रेटर देन 60, 60 समझे? ओके तो 0 आएगा या नंबर आएगा, देन आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 40। अब इसको रन कीजिए,
माइनस में क्यों आया? जब तो सही आया पर माइनस में आया। अच्छा ओके, मल्टीप्लाई बाय सी। ओके ये मान लीजिए माइनस आपको माइनस में दे रहा है, माइनस में देने के पीछे रीजन ये है कि ए जब ट्रू फॉल्स पे होता आता है ना सर, तो मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको एक काम करता हूं मैं इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ। आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है अब देखो तो ये इसको माइनस को प्लस में कैसे करेंगे सर? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, इसमें एवीएस का फॉर्मूला एक होता है जो कि माइनस को प्लस में कर देता है। ओके समझ आएगा आपको। यस सर जी। अब इसी तर्ज पे आप बाकी क्वेश्चन यहां कर लीजिएगा। ठीक है सर जी। क्या हाँ सर जी। एक कर लीजिएगा सर बाकी कि नहीं? हाँ सर जी कर लूंगा, वो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर सर मेरे को ये देखिए, मैं अगर उधर पेस्ट करता हूँ ना एसटीडी वगैरह वैल्यूज, तो वो भी नहीं आता है, मतलब वो लेता क्यों नहीं है, क्या पता। तो फाइल आपके पास भी है हाँ है सर। दिखाइए।